कुछ सुना बे? हाँ बाबू साहब। कुछ सुना कि नहीं सुना? सब कुछ सुने। क्या सुना? क्या सुना? अब भैया वही वाला वो जो मेरा भाई है शंकर सिंह, हाँ इंस्पेक्टर हो गया है। हो गया है पुलिस इंस्पेक्टर। रहने दे, नहीं बनेगा छोटू। मैं सोच रहा हूँ मेरा भाई आ जाएगा, हाँ तो सपना भी नहीं है। नहीं है? उसकी पत्नी भी नहीं है। हाँ भौजी नहीं बा, क्या बताऊंगा यार, तू ही बता कोई रास्ता। अपने दिमाग में कौन प्लान सोचा? प्लान क्या है, हर बात उल्टी सीधी बोलेगा साले। प्लान प्लान हम बताई बोल दिमाग का। देखा हाँ, जब भैया आ जाए अगर पूछ तो साफ साफ कह देवा जाए कि भौजी गई है अपने नैहरे, और सपना बिट्टी गई है अपने ननियौरे। बहुत अच्छा दिमाग लगा बे, बहुत बढ़िया दमाद है दिमाग। हाँ दिमाग यह अगर बताऊबा तब छुटकारा मिली। आएगा पूछेगा पिलाई जब का मतलब निकली। पिलाइन पे कहा जाता सारे मरा जाऊंगा। हाँ मौका आवत बे, जैसे तू कह रहा वैसे मैं करूंगा। हाँ करा देख, हम हो वैसे में करा। कब आता है? मैं बैठ कर जाऊंगा। बताओ साथियों, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, लेकिन देख रहा हूं ना तो नगर पता है, ना तो बड़े भाई का पता है, ना तो सपना बहन का पता है। सोच रहा हूं ऐसे आवाज लगाता हूं, अगर कोई कमरे के अंदर होगा तो जरूर बोलेगा, अरे छोटू मेरे भाई, अरे यार बाहर निकल के आओ, देखो कौन आया है। हम नहीं मारे। हम क्यों नहीं मारे? अरे मारने क्या बात है, हम नहीं मारे, जोन करण बाबू साहब करें। हम डरो मत। अरे तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? अरे मैं शंकर हूँ, आज पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ। ओहो भैया लुपिस हो गया का? अरे नहीं पुलिस हो गया हूँ। वही बोले नहीं आता है। तब हम चाहे पानी नहीं पाए तो का? अच्छा बताओ सारी बात छोड़ो, घर में भैया है? आहाई घर में खर्च हटा था। क्यों जब बात करते हो ऐसे? हाँ इन चाउर उल्टे हैं वही खर्च हटवा होता है। अच्छा करो चलो आओ। बड़े भैया कि चढ़ो में मैं मेरा प्रणाम स्वीकार पहुंचे। और मेरे भाई शंकर कैसे हो तुम? खसी रहो सब सारे बकरा रहो। बड़े भैया आपके आशीर्वाद से मैं खुश हूँ, और आप भी देख रहे हैं मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो चुका हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ मेरे भाई, आज तेरे तन पे वर्दी देखकर मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है, बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। हाँ? लेकिन भैया क्या मुन्ना, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? ये बताइए भैया, आपको मैं देख रहा हूँ और छोटू को देख रहा हूँ, लेकिन बहन सपना नहीं दिखाई दे रही है और मेरी पत्नी कविता नहीं दिखाई दे रही है, आखिर ये सब कहाँ गए हैं? मुन्ना तू घर पे तो था नहीं। सही कह रहे हो भैया, ये बहन है ना, बहन सपना है ना, ये बचपन से ननिहाल गई नहीं थी और अचानक मामा जी आ गए थे और जिद कर लिया मैं मामा के घर जाऊंगी। अबे साले हुकारी भर ना बे। हाँ भाई तो। हाँ बोल ना। हाँ तो मामा के घर जाऊंगी, मामा के घर जाऊंगी, यही कर रही ना, मामा के घर जाऊंगी, जिद मान लिया मुन्ना। बस कर बे, वो जिद मान लिया और मामा के घर चली गई है मुन्ना। हाँ बाबू साहब। भैया आप कहने का मतलब ये तो सच है कि बहन सपना बचपन से कभी मामा के घर नहीं गई थी? गई कभी नहीं गई ना बे। और उसके दिल में आया मिट्टी का मामा आए थे घर, मामा आए थे और लोग चले गए। चली गए तो ऐसा करे भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी पत्नी कविता को लिवाकर अपने घर ले आऊंगा। अरे अरे
उसको कहाँ लुआ आएगा, वो कहाँ है ये, वो अपने मैके गई है, अपने मैके चली गई है मुन्ना, मैके में गई बे, मैके मोलिया नहीं बे, मैके, हाँ वही मैके, वहाँ गई है मुन्ना, तू वहाँ जाकर क्या करेगा? मैं जाऊंगा, वो आया था सावन आया था ना उसका भाई, ओ सावन आया था, सावन आया था, अब भादों को छोड़ के गया था उसका भाई, सावन आया था साथ में लिवा कर गया है, तू वहां जाकर क्या करेगा? ठीक है भैया, इस समय ड्यूटी गोविंदपुर गांव में लगी है, गोविंदपुर गांव में, और मेरे पास समय नहीं है, और सुना है अरमान सिंह ताका मचा रखा है। अच्छा, यानी कि गोविंदपुर में तुम्हारी ड्यूटी लगी है? जी हाँ भैया। वहां से तुम्हारी ससुराल कुछ दूर पड़ती है? जी हाँ भैया। अरे तुम जाना चाहते हो, हाँ तुम मत जाओ, जहाँ ये बात है वहाँ मैं चला जाता हूँ, जब यही जिद है मैं चला जाता हूँ, लुआ कर चला आता हूँ। हम लोग कभो गना है एक दाई, हम हो लोग चला जाए। हाँ सही कह रहे हो भैया, ठीक है मुन्ना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चल बे चल बुला के। मैं भी समय चल रहा हूँ थाने पे ड्यूटी करने के लिए। हाँ साथियों, मेरा नमाज का टाइम हो गया है, चल रहा भी मैं नमाज पढ़ने। आप जाते, मैं तुझे कब से खोज रहा हूँ, लेकिन तू पता नहीं ये अपना महल छोड़कर कहाँ चला गया है, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अर्जुन सिंह, साले मैं तुझे को खोज रहा हूँ, ये बता साले तूने मेरी बहन को क्यों जलाया? आज मैं तुझे दहेज देने के लिए आया हूँ, बोल कितना दहेज चाहिए, बोल जल्दी बोल, बोल साले, नहीं तो गोली मार दूंगा। इधर हो जा, चल तैयार हो जा, नंबर एक और दो। क्या बात है बहन? ये क्या कह रहे हो भैया, एक निहत्ते पर गोली चला रहे हो? देखना अर्जुन सिंह यही है। अर्जुन, मैं तो इसी को खोज रहा था, आज ये हमारे सामने खुद ही मिल गया। नहीं भैया, मुझे दो बात करने लीजिए बस। ठीक है बहन, बात कर लो। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अजीत पठान है। अजीत पठान? हाँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है, एक मेरा छोटा भाई सावन है, एक मेरी बहन कविता है। भैया, मैं आपकी बहन बदनसीब कविता हूँ। ये क्या बात है, ये कौन है? ये अजीत पठान मेरे बड़े भाई हैं। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ भैया। हाँ। इसी वक्त चलो उस हरामजादे की हवेली पर, आज उसका नाम इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। चलिए बहन। भाई शंकर सिंह को मैंने चकमा दे दिया। भैया असलियत पता चल गया था तब क्या होगा बे? भैया चश्मा दे दिए, चश्मा नहीं साला चकमा दे दिया। चकमा दे दिए, आप बहाना बना दिया। हाँ। अर्जुन सिंह, अरे साला क्या चेहरा बनाया है रे? हाँ बोल अर्जुन सिंह,
आज मैं तुझे दहेज देने के लिए आया हूँ। अभी तो साले तेरे कारण ही मैं किसी दूसरे की हत्या कर देता। बोल कितना दहेज चाहिए बोल। भाई साहब मैं आपकी परिचय जानना चाहता हूँ, आप कौन है? तू मेरा परिचय जानना चाहता है? मेरा नाम अरमान सिंह है। पहचान लिया? अब मैं तुझे दहेज दूंगा। मुझे दहेज चाहिए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर तुझे दहेज नहीं चाहिए तो मुझे मेरी बहन चाहिए। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, या तो दहेज लो या तो हमारी बहन को हमारे हवाले करो। चल जल्दी कर। तुम्हारी बहन तो मर गई। मर गई? कौन उपाय सोचा था दिन निकले के। इधर आओ, मुझे पहचान रहे हो? पहचान पावत है। ज्यादा पहचान में रहा जिनके यहाँ पहचान है। आप लोग गांडू है ना? हम तो कह एक दाई जीजे कहे, तू सारे तीन दाई कहे। कौ सारे न मरवाई पाई तू आवा मरवावा सारे। लाते से मारब सारे ना टूट गए भर सारे। तब बीच में टपकबाऊ ना कहे सारे। बैठ ना, टपकना जानते तू मार देगा फिर बाद। बैठ सारे, यहाँ रे चल सारे। क्या कहना भैया? क्या कहना सारे? अरे भाई हाथ कहाँ जोड़े रे? क्या कहना है? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। रहा है तरस तेरी जवानी, आ रही है हंसी तेरी कहानी पर, आ रहा है तरस तेरी जवान। तू है जिंदा मेरी जिंदा मेरी मेहरबानी पर, जान दिया जाए छोड़। तो का सारे छोड़ दिया जाए। अखी खुली के क्या ए बहनोई? बोलो सावन। तनी एक दाई बहनोई कहा था? बहनोई बोल रे। बोलते नहीं बहनोई। बोला सारे नहीं है हो बहनोई 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 बहनोई। ताई सारे ताई मोहनो चौनो सारे। हम यार तोरे कहती है यार। हमरे कहती कहाँ हो गया? हाँ है
तो हमारे कहती रहो जी नहीं भाई ओका कैसे मारा बाय बाय चल तब हम कहे तोरन कहती रहा ना हम हो एक काम कर मैं तुझको आज आदेश कर रहा हूँ कि ये तुझको तू इसका नौकर है ना मेरी तरफ से इसको 50 अंडा लगा देखा भाई 50 अंडा ना मार हम चुक जा भाई चुक जा भाई तो सारे नहीं 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 गिनती से 10 स्कोड़ा मार सकी 50 से एक भी कम हुआ तो जितना कम रहेगा उतना हंटर तेरे बदन पर देखा भैया हम ना मार पाऊँ ना मरवाई पाई तब बैठ साले बीच में बोलना मत क्या हो पहचान है हाँ सर पहचान गया मैं दिने अब वह दिने धोखे से बधवाया तो शेर बनत रह जाता ही दारू पियब तब आओ तब गोली मरब इसकी कमी है साले किसकी कमी है उसकी कमी सर मर बान लेकिन बांट दिया देखा भाई हम झूठ ना बोलते हैं नहीं कहन बान है की क्या कहस बान है सर कहीं आगे में कूद जा भाई देखा भाई साहब हम नौकर चलता ही इनसे कहवा भाई घर मालिक के दुआरे कुआं है जस अरे हम कूद के मर जाए चल है सर यहां चले का कौसार जाए कुआं कूद के मरे जब कुआं कूद के मर जाबे ए बे भोसड़ी वाले चुप तू बात बना रहा हूं छोटू तू तो मेरा नौकर है तू तो मेरा आदमी है कहा था शहर मेरा आदमी है बताओ भैया हम आदमी है अपने मेहरारू कनकर सारे का मुझे पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे हो अरे जेठ जी मैं आपकी वही बहू कविता हूँ पागल हो सुनो उस दिन मेरे कमरे में आप आए और मुझसे प्यार की बातें किए प्यार की बातें नहीं कर रहा था सुनो पहले इधर देखो ना मैं रावण की बात कर रहा था नहीं नहीं सुनिए बात यह है उस वक्त मेरे तन बदन को पाने के लिए आप बिल्कुल व्याकुल हो चुके थे आज मैं सबके सामने मैं तुम पर राजी हूँ आओ मेरे साथ अपनी हसरत मिटा लो आराम जा दे था कुत्ता खमीना तू इस हाथ की बात कर रहा है इस हाथ इन हाथों से अपनी बहन सपना को ले जाकर तवाब के कोठे पर जब बेचा तब तुझे ख्याल नहीं अब्बा भैया देख क्या रहे हो इस धरती की बोझ को दुनिया से मिटा दो ठीक है बहन मैं मरने नहीं चाहता ये तो मैं भी जानता हूँ कोई मरना नहीं चाहता है लेकिन क्या करूं मजबूरी है तूने मेरी बहन को जिंदा जलाया था ना अरे साले तेरे आंगन में मेरी बहन जल रही थी और तू मखमल की कुर्सी पर बैठकर जलती हुई लाश का तमाशा देख रहा था ना जल्दी हो गई चल तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ नंबर एक और नंबर दो गोली क्यों चला रहा था क्या कर रहा था मैं गोली चला रहा था कोई गलत गोली नहीं चला रहा था ये अर्जुन सिंह मेरी बहन को जिंदा जला दिया था
मेरे पास दहेज नहीं था, पैसा नहीं था, खाने के लिए हम खुद परेशान थे, तो पैसा इसे देता कहां से, और मैं इसीलिए इसे मार रहा हूं। लेकिन अरमान सिंह बताइए आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण? प्रमाण चाहते हो? जी हाँ बहन, इसे प्रमाण की जरूरत है और मैं इसे प्रमाण दे ही देता हूं। सुनो दरोगा बाबू, वाह वाह दरोगा बाबू वाह, काबिले तारीफ है आप, इसके लिए आप यहां आए? जी हाँ। मुझे पहचान रहे हो आप? जी नहीं। नहीं पहचान रहे हो? जी नहीं। जिस पत्नी की मांग में सिंदूर डाला था, गले में मंगलसूत्र पहनाया था, हाथों में चूड़ियां पहनाया था, उसी को भूल गए? वाह दरोगा बाबू वाह। अरे लोग तो कहते हैं जब एक लड़की के मांग में सिंदूर हो जाए और पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिया जाता है तो उसमें सात वचन होता है। उन वचनों में एक वचन ये भी होता है कि मैं तेरी उम्र भर रक्षा करूंगा और तेरा साथ, मुसीबत हो या सुख हो, हर वक्त मैं तेरा साथ निभाता रहूंगा। आप मुझे बताइए, आपने मेरा साथ कौन से वक्त में दिया है? आज तक मैं जान ही नहीं पाई कि क्या आपके दिल में इस कविता के लिए कोई जगह है या नहीं? नहीं, नहीं कविता, ऐसा मत कहो, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो कविता। दरोगा बाबू, अगर प्रमाण की बात आप लेना चाहते हैं तो ये लीजिए। अरमान सिंह कोई गैर नहीं, आज आप सच बताइएगा, मुझसे शादी होने से पहले आपकी कितनी शादियां हुई थी? छह शादियां हुई थी। छह पत्नियों को क्या हुआ? दहेज के कारण मार दिया गया? आप पुलिस वाले हैं ना, एक हत्या का जुर्म करने वाला सजाए मौत का हकदार होता है। आप ही का सगा भाई सात सात मासूम बहनों को इस दुनिया से मिटा डाला, आज इसने वो काम किया है कि ऐसे भाई को तो सरेआम बीच चौराहे पर जिंदा ट्रक से कुचलवा देना चाहिए। जो बहन आपकी कलाई में राखी बांधती थी उसी बहन को ले जाकर ये आपके बड़े भाई तवायब के कोठे पर बेच कर चले आए। और मेरे बारे में जानना चाहते हो मेरे साथ क्या हुआ? अरे आप तो मुझसे कभी ये तक नहीं पूछने आए कि कविता तो है कैसी। एक दिन की बात है, जेठ जी मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, मैं नहीं मानी। ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूं, बेहोशी की हालात में मुझे ध्यान से मार देने की कोशिश की। अरे भला हो मेरी सपना ननद की, जिसने मुझे नई जिंदगी दी और अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार हो गई मेरे लिए। और उसने कहा भाभी यहां से चली जाओ, कभी बताना, इन्हीं की वजह से मैंने अपनी मां को खवा दी। मेरी मां मुझसे जुदा हो गई, तभी मैं बंदूक के पाने को उठाकर टाकू शेरनी बन गई। और आज इन्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम पुलिस वाले हैं, आप मेरे सामने इन्हें नहीं बांध सकते हैं, इसका आपके अपमान का बदला पुलिस खुद करेगी। इंस्पेक्टर साहब, भला ये कैसे हो सकता है? एक भाई पर गोली कैसे चला सकता है? बताइए चलाओगे गोली?
इसे तो मैं मारूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। देखिए अरमान सिंह, ये कानून हर किसी को मजबूर कर देता है। क्यों ना ही अपनाओ सगा भाई हो, क्यों ना ही अपनाओ सगी बहन हो। आप चिंता मत करिए, इनको सजा जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं देखता हूं कि आप इनसे बदला कैसे लोगे। ठीक है। भैया मुन्ना, आज मैं आपसे जो पूछूंगा वो आप मुझे सच सच बताएंगे। जरूर बताऊंगा मुन्ना। आपने मेरी 6 शादियां की और मेरी 6 पत्नियों को मौत के घाट उतार दिए। ये बताइए आपको कमी क्या थी, क्या जरूरी थी? ऐसा करने से आपको क्या लज्जा नहीं आई? अरे ओ बहू, आपके बेटी के समान है। और इतना ही नहीं, आपने तो वो कारनामे किए हैं, शायद है जमाना आपको ना भूल सके। बहन सपना को आपने रंडी के हाथों भेज दिए। सोचिए भैया, ऐसा आपको घिनौना कार्य करने की क्या जरूरत थी भैया, क्या जरूरत थी? शंकर सिंह मेरे भाई, अरे तू शंकर नहीं जानता मेरे भाई, ये जो सपनवा है ना, ये मुन्ना सावन से प्यार करती है मेरे भाई, सावन से प्यार करती है, इसलिए मैं गुस्से में आकर इसे रंडी के कोठे में भेज दिया। मैं दहेज लोभी निकला, पापी हूँ, गद्दार हूँ, कमीना हूँ। मुन्ना 6 बहुओं को जला कर राख कर दिया दहेज न पाने के कारण। मुन्ना मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ मत करना मुन्ना, मुझे गोली मार देना मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ छोड़। लेकिन भैया बताइए, अगर आप अपना बहन को एक रंडी के हाथों बेच दिए, क्या इससे आपका सम्मान बच गया? नहीं भैया, देखिए सपना, किसी ने कहा है प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना ये महापाप हो जाता है। देखो भैया, आज हमारी इज्जत और आपकी इज्जत इसी में है। अगर बहन की खुशी उस सावन के प्यार की खुशी में है, आज सावन को बुला करके और बहन सपना को एक दूसरे के हाथ में हाथ दे देते हैं, इसी में हमारा तुम्हारा सम्मान है भैया। मुन्ना सावन को बुला, सावन को बुला, सावन भैया, सावन भैया मेरे सामने आओ। कसू भानोई बोला सारे, बहुत बड़ा पाप करे ही, बहुत बड़ा गुनाह करे ही, अगर तो हम शादी कराए दी तो हो सके हमारे गुनाह माफ हो कि ना हो। अच्छा, अपने बहनी की ब्याह कराए देबा तो गलती माफ हो जाए? हम ब्याह कराए दे तो हमारी गलती माफ जी करें। अब हो ये सारी बात छोड़, अच्छा बतावा उनकर ब्याह कई दे है का सारे हम कुआरी रह का तू हमारे संगे करबा का? नहीं नहीं नहीं, तोहरे संगे नहीं है, हमारी ही नौकरी पेड़ न भरी, मेहरू चाहिए ना यार। कैसे करबा तू? हाँ खाली ओली होई बाटी बहन होने उठ कर आई दे। ए बाबू, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है, हम बच्चों से जो टूटी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा,
संगीत का नाम था दहेज पर निर्भर देश। दहेज पर निर्भर देश, डोली और गोली, उर्फ डाकू अरमान सिंह। यही से समाप्त होता है साहब। जय हिंद, जय भारत। अरे संभाला तो मैंने बहुत वक्त समय आने बस।